हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो ले गया हूं वो है राजस्थान का इतिहास BSTC एग्ज़ाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको जोधपुर राज्य का जो इतिहास है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से जो अपन पढ़ेंगे वो बीकानेर राज्य का इतिहास अपन पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्लासेस ली जाएगी सबसे पहले आपके समक्ष होगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा, अपना जो टॉपिक है कि जोधपुर के राठौड़ वंश, फ्रेंड्स आज का ये अंतिम टॉपिक रहेगा जो जोधपुर इतिहास से संबंधित रहेगा। अब अपन ने जो अपना लास्ट वीडियो था जो हिस्ट्री से संबंधित था, उसमें अपन ने जसवंत सिंह प्रथम तक जो भी बातें थी, जसवंत सिंह फर्स्ट तक फ्रेंड जो भी बातें थी अपन ने कर ली थी। आज जिस शासक के बारे में अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे अजीत सिंह हैं, और इनसे जो आगे वाले जो शासक हैं उनके बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, बात करता हूँ अजीत सिंह की। तो अगर इनके शासनकाल की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स इनका जो शासनकाल है 1707 से लगा के 1729 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई अजीत सिंह कौन थे, तो आपका जो जवाब होगा क्या होगा कि ये जसवंत सिंह प्रथम का ही क्या था, पुत्र था, यानी उत्तराधिकारी था। जसवंत सिंह प्रथम का फिर आगे जाके उत्तराधिकारी कौन था, तो अजीत सिंह था। और फ्रेंड्स देखिएगा कि इनके प्रारंभिक समय में क्या हुआ था कि जो अजीत सिंह है वो किसके चंगुल में फंस गए थे, औरंगजेब के यानी मुगलों के चंगुल में फंस गए थे। तो जो इनके दरबार में थे एक, उनका नाम क्या था, वीर दुर्गादास राठौड़। उन्होंने फ्रेंड्स इनको क्या किया था, अजीत सिंह को औरंगजेब या फिर मुगलों के चंगुल से इनको मुक्त किया था, और मुक्त करके फिर इनको क्या बनाया था, मारवाड़ का शासक बनाया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भाई जो है कि ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मुगलों के चंगुल से या औरंगजेब के चंगुल से बचाने वाला कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा, दुर्गादास राठौड़ होगा। क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, दुर्गादास राठौड़ आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ये बातें आप याद रखना। उसके बाद में देखिएगा कि जो अजीत सिंह है उन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह है किसके साथ में करवाया था, बादशाह फर्रुख शेर के साथ कराया था। इनकी पुत्री का नाम क्या था, इंदिरा कुंवरी था, और इसका जो विवाह है इन्होंने किसके साथ कराया था, फर्रुख शेर के साथ कराया था। और अजीत सिंह की जो फ्रेंड्स हत्या है उसके स्वयं के ही पुत्र किसने की थी, भक्त सिंह ने की थी। तो यहाँ से ये भी कम से कम थोड़ा बहुत याद रख लेना। उसके बाद में देखिएगा कि भाई अजीत सिंह फ्रेंड्स इतने अच्छे व्यक्ति थे कि इनके जो दाह संस्कार हुआ था उसमें मोर और बंदरों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी क्या दी थी, प्राणों की आहुति दी थी। यानी कोई भी इनके ऊपर फोर्स नहीं था, इन्होंने अपनी स्वयं की इच्छा से क्या दी थी, मोर और बंदरों ने क्या दी थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो यहाँ से कम ये बातें फ्रेंड्स अगर याद रखो तो अच्छी बात है। बाकी आप ये याद रखना कि भाई जो ये हैं अजीत सिंह को जो औरंगजेब के चंगुल से बचाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वीर दुर्गादास राठौड़ था। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट जो अपने शासक हैं महाराजा मान सिंह, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। देखिएगा, इनके अगर मैं शासनकाल की बात करूँ तो 1803 से लगा के 1843 ईस्वी तक इनका क्या है, शासनकाल है। अब इसके बाद में देखिएगा कि जो 1803 में उत्तराधिकारी युद्ध के बाद जो मानसिंह हैं वो जोधपुर की सिंहासन पर बैठे थे, और जब फ्रेंड्स क्या हुआ था कि मानसिंह हैं जब यहाँ पे बैठे सिंहासन पे, तो जो एक प्रकार से आप बोल सकते जोधपुर हैं वो कहाँ, मारवाड़ की सेनाओं से गिर गया था। यानी कि मारवाड़ यानी कि जालौर में, मानसिंह जालौर में मारवाड़ की सेना से गिर गए थे। यहाँ से ये भी याद रखना। तब फ्रेंड्स इनके जो गुरु हैं एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई गोरखनाथ संप्रदाय के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, आयस देवनाथ था। उन्होंने फ्रेंड्स भविष्यवाणी की थी और वापस शीघ्र ही किसको, मानसिंह को
जोधपुर के सिंहासन पे बैठाया था। तो यहाँ से ये बातें याद रखना कि भाई गोरखनाथ संप्रदाय के जो गुरु हैं वो कौन थे, आयस देवनाथ थे, और उन्होंने ही भविष्यवाणी करके किनको बिठाया था, महाराजा मानसिंह को बिठाया था। उसके बाद में फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया कि जैसे ही महाराजा बन गए तो मानसिंह ने आयस देवनाथ को जोधपुर बुला के उनको अपना गुरु बनाया और वहाँ पे क्या किया, नाथ संप्रदाय के एक महामंदिर का निर्माण करवाया। तो ये आप याद रखना यहाँ से कि भी जो नाथ संप्रदाय है उसका जो महामंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में अगर इनके शासनकाल में क्या घटना हुई है फ्रेंड्स, गंगोली का युद्ध हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है गंगोली का युद्ध, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। देखिएगा कि जो गंगोली का युद्ध है वो क्यों हुआ है, किसके मध्य हुआ है, अभी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हो फ्रेंड्स। देखिएगा जो मेवाड़ के महाराजा थे कौन, भीम सिंह, और उनकी जो राजकुमारी थी उनका नाम क्या था, कृष्णा कुमारी नाम था। क्या था मेरे फ्रेंड्स, कृष्णा कुमारी नाम था। तो जो इनका फ्रेंड्स ये गंगोली का युद्ध क्यों होता है कि भाई एक तो जयपुर की सेना है और एक है जोधपुर की सेना, और इन दोनों सेनाओं के बीच में तकरार हो जाती है, किसको लेके, कृष्णा कुमारी को लेके। तो इसीलिए ये फ्रेंड्स जो गंगोली का युद्ध है ये होता है। तो इसमें थोड़ा अच्छे से अपन देख लेते हैं कि भाई जो मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की जो राजकुमारी है कृष्णा कुमारी, उसका जो विवाह है किसके साथ में हो जाता है, जयपुर राज्य के महाराजा जगत सिंह के साथ में हो जाता है। किसके साथ में, जगत सिंह के साथ में हो जाता है। तो उसके बाद में देखिएगा कि ये जो पिंडारी और अन्य सेनाओं ने संयुक्त रूप से एक प्रकार से जगत सिंह का फ्रेंड्स क्या दिया था, साथ दिया था। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना कि भाई 1807 के अंदर आक्रमण कर दिया था किस पे, जोधपुर के ऊपर, और अधिकांश हिस्सों पे क्या कर दिया था, उन्होंने कब्जा कर दिया था, परंतु जो शीघ्र ही मानसिंह ने इसे वापस प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ से याद रखना कि भाई जो गंगोली का युद्ध है किस किस के मध्य हुआ था, तो अपने जो जोधपुर से कौन थे, मानसिंह थे, जोधपुर से कौन थे, मानसिंह, और अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो जयपुर से फिर आपके कौन थे, जगत सिंह थे, कौन थे, जगत सिंह। और विवाद फ्रेंड्स किसके लिए हुआ था, जो मेवाड़ के महाराजा हैं कौन, भीम सिंह, और भीम सिंह की जो पुत्री हैं क्या नाम था, कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी, इसको लेके फ्रेंड्स विवाद हुआ था, जिसमें फिर जो कृष्णा कुमारी का विवाह है किसके साथ में हुआ था, जगत सिंह के साथ में हुआ था। तो यहाँ से ये बातें याद रखना। उसके बाद में देखिएगा कि जो मानसिंह है उन्होंने 1817 के अंदर अपने जो शासनकाल का जो कार्यभार है किसको सौंपा था, अपने पुत्र छत्र सिंह को सौंपा था। और जो छत्र सिंह है फ्रेंड्स उनकी जल्दी ही मृत्यु होने के कारण मृत्यु हो गई थी, और जो सन 1818 में 16 जनवरी को मारवाड़ ने अंग्रेजों के साथ में क्या कर दी थी, संधि कर दी थी, और जो मारवाड़ के जो सुरक्षा का भार है वो किसको सौंप दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था मेरे फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, कब की थी, 16 जनवरी 1818 ईस्वी के अंदर जोधपुर ने किसके साथ में संधि की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखना। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपनी जो है दुर्गादास राठौर, जिनके बारे में अपन थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हैं अजीत सिंह के टाइम में, अब देखिएगा कि भाई जो वीर दुर्गादास हैं ये फ्रेंड्स क्या क्या थे, जो जसवंत सिंह हैं के जो मंत्री थे आस्करण के, ये क्या थे, पुत्र थे, क्या थे, जो जसवंत सिंह के दरबार में जो मंत्री थे उनका नाम क्या था, आस्करण, और आस्करण के ये जो दुर्गादास राठौड़ हैं क्या लगते थे, पुत्र लगते थे। तो उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स इन्होंने एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि जोधपुर के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्होंने क्या दिया था, सहयोग दिया था, यानी जोधपुर के लिए बहुत ही अपनी एक प्रकार से भूमिका निभाई थी,
अब देखिएगा कि भाई जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह को मुगलों के संगुल से किसने बसाया है, तो दुर्गादास राठौड़ ने ही बसाया है, जो मैं आपसे लास्ट जो लाइनें थी उनमें मैं बातें कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स, जो मेवाड़ और मारवाड़ की जो संधि हुई है वो भी किसने करवाई थी, दुर्गादास राठौड़ ने करवाई है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व माने जाते हैं जोधपुर के, तो इसीलिए इनके बारे में अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में देखिएगा कि भाई जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह फ्रेंड्स क्या हुआ कि प्रारंभिक समय में जो अजीत सिंह का जो शासनकाल था वो किसके निरीक्षण में हो रहा था, दुर्गादास राठौड़ के निरीक्षण में हो रहा था। तो फ्रेंड्स, एक प्रकार से फिर अजीत सिंह को लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरे से ज़्यादा जो हुक्म चल रहा है वो किसका चल रहा है, दुर्गादास राठौड़ का चल रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स इनको क्या दिया था, वहाँ से देश निकाला दिया था, एक प्रकार से क्या दिया था, देश निकाला दिया था। तब जो दुर्गादास राठौड़ हैं किसके चरण में आ गए थे, जो मेवाड़ के महाराणा है, नाम क्या है, अमर सिंह सेकंड की शरण में आ गए थे, कौन, दुर्गादास राठौड़। और उसके बाद में फ्रेंड्स इनका जो निधन है कहां पे हो जाता है, उज्जैन के अंदर। और उज्जैन के अंदर क्या है, वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या है, छत्री हैं। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ से जो बातें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, क्या क्या, एक तो कि भाई अजीत सिंह को मुगलों के संगुल से आज़ाद करवाने वाले कौन थे, तो दुर्गादास राठौड़ थे। उसके बाद में कि भाई जो हैं अजीत सिंह के देश निकाला दे जाने के बाद जो दुर्गादास राठौड़ किसके शरण में गए थे, महाराजा अमर सिंह की सेवा में चले गए थे। और इनका निधन कहाँ हुआ है, उज्जैन के अंदर। और इनके छत्री कहाँ पे हैं, तो वो भी कहाँ पे हैं, उज्जैन के अंदर ही हैं। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन रहे थे, जो आपको मैंने नोट डाउन करवा दिए। उसके बाद में देखिएगा जो नेक्स्ट जो शासक हैं, अमर सिंह राठौड़। फ्रेंड्स, इनके बारे में भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो मैं इम्पोर्टेंट करवा के आपको नोट डाउन करवा दूंगा। अब देखिएगा इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि भाई जो अमर सिंह राठौड़ हैं, ये जोधपुर के जो अमर सिंह आपके राठौड़ हैं, ये जोधपुर के, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिसटाइप हो रहा है, जो अमर सिंह राठौड़ हैं ये फ्रेंड्स क्या थे, जोधपुर के, जो यहाँ पे ये जो हैं गत सिंह नहीं है फ्रेंड्स, इनका जो नाम है आप अच्छे से नोट डाउन कर देना, क्या है, गत सिंह है, क्या है, गत सिंह है। अब ये क्या है कि जो गत सिंह के पुत्र थे और जो महाराजा जसवंत सिंह का क्या था, ये भाई था, क्या था, भाई था। अब देखिएगा थोड़ा अच्छे से कि ये जोधपुर के गज सिंह का पुत्र, महाराजा जसवंत सिंह का भाई, जो नाराज होके फ्रेंड्स कहाँ चला गया था, शाहजहाँ के दरबार में चला गया था, कहाँ चला गया था, शाहजहाँ के दरबार में चला गया था। और वहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था कि जो शाहजहाँ के जो साले थे मीर बख्शी सलावत खां की, इन्होंने भरे दरबार में क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। यानी कि यहाँ से ये भी याद रखना कि भाई जोधपुर के किस शासक ने शाहजहाँ के दरबार में किसकी हत्या की थी, मीर बख्शी सलावत खां की हत्या की थी, तो वो किसने की थी, अमर सिंह राठौड़ ने की थी। ये जो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, क्या कि मतिरे की राड़, ये क्या है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स युद्ध है, क्या है, मतिरे की राड़ युद्ध है, जो कब हुआ है, 1644 के अंदर ये युद्ध हुआ है, कब हुआ है, 1644 के अंदर हुआ है। और फ्रेंड्स ये किन किन के मध्य हुआ था, तो एक तो बीकानेर की सेना थी और एक नागौर की सेना, इन दोनों के मध्य हुआ था। जो बीकानेर से लड़े थे, कौन लड़े थे फ्रेंड्स, कर्ण सिंह लड़े थे। और जो आपने एक प्रकार से बोल सकते हो कि भाई जो मारवाड़ से लड़े थे, कौन लड़े थे, अमर सिंह लड़े थे। मारवाड़ से आपके कौन लड़े थे, अमर सिंह लड़े थे। यानी कि मारवाड़ फ्रेंड्स उस टाइम में नागौर भी किसके अंदर आता था, मारवाड़ के अंदर ही आता था। तो अमर सिंह लड़े थे और इस युद्ध में फिर किसकी विजय हुई थी, अमर सिंह की विजय हुई थी। और अमर सिंह को फिर क्या बनाया गया था, नागौर का शासक। और वीरता के कारण आज भी ये क्या है, राजस्थान की ख्यातों में क्या है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध हैं। तो आपसे अगर मतिरे की राड फ्रेंड्स क्या हुआ था कि भाई जो सीमा निर्धारित थी उसमें जो मतिरा हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे बोल सकते हो कि इस मतिरे को लेके ये युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य, बीकानेर और
नागौर के मध्य, किस किस के मध्य, बीकानेर और नागौर के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें थी आप सभी के सामने मैं लेके आया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट BSTC एग्ज़ाम 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में ये वीडियो पहुँचे और अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। अगर फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ एक अच्छे से कमेंट कर देना, जिससे फ्रेंड्स हमें थोड़ा मनोबल मिलता है कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं कम से कम आप सभी के लिए थोड़ा यूज़फुल हो रहा है। यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा, पढ़ाने का तरीका सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको बातें समझ में आनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि भाई आपका जो सिलेबस है मैं आपको पूरा का पूरा इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा, और जो विद्यार्थी SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्रेंड्स साइंस हैं, जो मैंने साइंस की सीरीज स्टार्ट की हैं तो वो भी आप अच्छे से देखिएगा। और जो राजस्थान हिस्ट्री है वो फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट कर दी है, उसका एक वीडियो मैंने डाल दिया है, और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। जो भी फ्रेंड सिलेबस रहेगा, मैंने पहले भी बोला है कि आपको इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा, तो आपको बिल्कुल ही यहाँ से एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से अपनी तैयारी करना है। और फ्रेंड्स अभी से लक्ष्य बना दो कि इस बार कितना क्रॉस करना है, 450 आपको क्रॉस करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।